हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम कंट्रास्ट बाथ थेरेपी यानी हॉट एंड कोल्ड थेरेपी के बारे में बात करेंगे। कंट्रास्ट बाथ थेरेपी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, जिसमें बॉडी के अफेक्टेड और इंजर्ड पार्ट को पहले गर्म पानी में डुबोया जाता है और फिर उसके तुरंत बाद उसे ठंडे पानी में डुबोया जाता है। इस अल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड प्रोसीजर को कई बार ऐसे ही रिपीट किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इंजर्ड टिश्यू के आसपास ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने लगता है। इस प्रोसीजर को लगभग 25 से 30 मिनट तक रिपीट किया जाता है। इसमें अफेक्टेड पार्ट को सबसे पहले 3 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबोया जाता है, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में इसे डुबोया जाता है। इस प्रोसीजर को गर्म पानी से शुरू करके गर्म पानी भर ही ख़त्म करते हैं, मतलब 3 से 4 मिनट गर्म पानी में अफेक्टेड पार्ट को रखना है, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में रखना है, फिर दोबारा से 3 से 4 मिनट गर्म पानी में रखना है, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में रखना है। मतलब इस सेम प्रोसेस को आपको एक बारी में 4 से 5 बार रिपीट करना है और पूरे दिन में इस थेरेपी को आपको एटलीस्ट 3 बार ज़रूर करना है, तभी ये थेरेपी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेशंस की। ये ट्रीटमेंट एक ऐसा वर्पुल ट्रीटमेंट है जो फिजियोथेरेपिस्ट कई डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में पेशेंट को देने के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे एंकल और लेग फ्रैक्चर्स, प्लांटर फेशाइटिस कंडीशन जिसमें पैर की सोल में दर्द रहता है, अकाइलिस टेंडिनाइटिस कंडीशन जिसमें एड़ी के पीछे वाले पोर्शन में दर्द रहता है, अपर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स मतलब हाथ की उंगलियों में, कलाई में और बाजू की किसी हड्डी का टूट जाना, या फिर हैंड और फिंगर आर्थराइटिक कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये ट्रीटमेंट लेने के लिए एडवाइस कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये सभी जनरली वो कंडीशंस है जिसमें बॉडी के जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज के आसपास स्वेलिंग हो जाती है और जिसके कारण दर्द बढ़ जाता है। तो इन कंडीशंस में इसलिए ही फिजियोथेरेपिस्ट कंट्रास्ट बाथ लेना एडवाइस करते हैं, ताकि दर्द को कम किया जा सके, स्वेलिंग को कम किया जा सके, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल किया जा सके और साथ ही मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इस थेरेपी के लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है ओपन वुंड। ओपन वुंड में इस थेरेपी को नहीं लिया जाता है। अब जानते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी कैसे ली जानी चाहिए। इसे लेने के लिए आपको दो टब्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक टब में गर्म पानी लें और एक टब में ठंडा पानी लें। टब में उतना ही पानी लें जिसमें आपका अफेक्टेड पार्ट अच्छे से डूब जाए। इसमें गर्म पानी का टेम्परेचर 98 to 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होना चाहिए और ठंडे पानी का टेम्परेचर 50 to 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पानी का ये टेम्परेचर आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। जब दोनों टब्स में सही टेम्परेचर का पानी डल जाएगा तो उसके बाद अपने इंजर्ड बॉडी पार्ट को सबसे पहले 3 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी के टब में रखिए। इस दौरान आप पानी में कुछ जेंटल मोशन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपका अफेक्टेड पार्ट हाथ है तो आप हाथ की उंगलियों को और कलाई को ऊपर नीचे और उंगलियों को मोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका अफेक्टेड पार्ट पैर है तो आप पैर की उंगलियों को और पंजे को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद आपको एकदम से अपने बॉडी पार्ट को कोल्ड टब में ट्रांसफ़र करना है और इसमें आपको 1 मिनट तक अपने बॉडी पार्ट को रखना है। अगर आप पानी के टेम्परेचर को 1 मिनट तक टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो आप वापस से अपने बॉडी पार्ट को गर्म पानी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बॉडी पार्ट को गर्म से ठंडे पानी में डालने वाली प्रोसेस थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है, लेकिन अगर आप पहले से ही चेंजिंग टेम्परेचर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सीक्वेंस है मूविंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एंड बैक अगेन, इसे जनरली आपको 20 से 30 मिनट के लिए कंटीन्यूअस रिपीट करना है। इस दौरान पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है। इसके लिए आप ठंडा और गर्म पानी एप्रोप्रिएट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दोनों ही टब्स में ऐड करते रहिए। इस थेरेपी में ये भी देखा गया है कि इसकी इफेक्टिवनेस तब और भी ज़्यादा आती है अगर इसके तुरंत बाद आप एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइज में आप अपने इंजर्ड बॉडी पार्ट पर सभी पॉसिबल मूवमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कंट्रास्ट बाथ थेरेपी लेने के बाद हमारे इंजर्ड बॉडी पार्ट में क्या चेंजेस आते हैं।
मतलब ये थेरेपी किस तरह से काम करती है। फिजिकल थेरेपी में कंट्रास्ट बाथ यूज़ करने के पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि गर्म से ठंडे में रैपिड चेंज की वजह से इंजर्ड और अफेक्टेड पार्ट के आसपास जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी क्लोज होती हैं और ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं और ओपन होती हैं। इसमें गर्म पानी की वजह से ब्लड वेसल्स पहले ओपन होती हैं और फिर जैसे ही अफेक्टेड पार्ट को ठंडे पानी में डालते हैं वैसे ही ब्लड वेसल्स क्लोज हो जाती हैं। इस तरह से रैपिड ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण ब्लड वेसल्स में पंपिंग एक्शन डेवलप हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने लगता है, जिसके कारण अफेक्टेड पार्ट के आसपास जो स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और जब स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ख़त्म होने लगती है तो फिर धीरे धीरे दर्द भी कम होने लगता है और मोबिलिटी भी इम्प्रूव होने लगती है। इस थेरेपी का कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें ना तो किसी तरह की कोई वेव्स यूज़ हो रही हैं और ना ही कोई मेडिसिन यूज़ हो रही है। इसे लेते समय बस पानी के टेम्परेचर्स का थोड़ा ध्यान रखें। अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हुआ, मतलब जो आपको टेम्परेचर बताया गया है अगर उससे ज़्यादा गर्म हुआ तो आपको बर्न हो सकता है, मतलब आपकी स्किन जल सकती है। और अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हुआ तो इससे भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट बात लेते समय पानी के टेम्परेचर्स पर ज़रूर ध्यान दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर फिजियोथेरेपी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।